मास्क्यूटा, आज बॉस को बताने का समय आ गया है कि तुम दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकते हो। चलो चलो, बॉस का मास्क बना दो। थैंक यू टिम्बकटू। ये लो तुम्हारे बॉस मैड मैक्स का मास्क। ये कैसे हो गया? मैं इतना मोटा कैसे हो गया? ये मैं नहीं हो सकता। You are fat, boss. Very, very fat. She is right, boss. She is right. ये टिम्बकटू की आवाज कहाँ से आई? वो देखेगा तो मुझ पे हंसेगा। लेकिन बॉस, मैं तो मिरर में देख ही नहीं रही हूँ। तुम इतनी स्लिम हो कि मिरर में दिख ही नहीं रही। थैंक यू बॉस, थैंक यू। ये तो मैंने बोला नहीं, फिर मिरर कैसे बोला? Something is wrong, boss. Meow. She is right, boss. She is right. ये तो टिम्बकटू है, लेकिन चेहरा मेरा है। कैसे? कैसे? ये क्या मजाक है टिम्बकटू? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये मेरा मास्क कहाँ से आया? बॉस, ये है मिस्टर मास्क्यूटा। ये दुनिया में किसी का भी मास्क बना सकता है। देखो बॉस, इसने एक और मास्क बना दिया। कैट मोना, अटैक, अटैक! कब से वीर को इस तरह चिल्लाते हुए देखना चाहता था। आज दिल को ठंडक मिल रही है। मिस्टर मास्क्यूटा वीर का मास्क पहन के शहर में इतना हंगामा करेगा कि लोग परेशान होके वीर को फुर्सतगंज से निकाल देंगे। और फिर वीर मेरा होगा। कैसा है मेरा प्लान? यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज क्यों नहीं आते। साइकिल चलाना मना है। रुको रुको, सुनो वीर, सुनो। अगर वीर साइकिल चला सकता है तो मैं क्यों नहीं। केकी फेकी, चलो। बंटी स्टॉप, ये क्या कर रहे हो तुम सब? डोंट वरी सर, प्रिंसिपल सर ने कॉरिडोर में साइकिल चलाने की परमिशन दे दी है। प्रिंसिपल मैं हूँ और मैंने परमिशन नहीं दी है। सॉरी सर। ये आज सब स्टूडेंट्स कॉरिडोर में साइकिल क्यों चला रहे हैं? क्योंकि तुमने सबको कहा कि मैंने परमिशन दे दी है। तुमने पहली बार ऐसी हरकत की है, इसलिए क्लास के बाद एक घंटे का डिटेंशन देकर छोड़ रहा हूँ। फिर कभी ऐसी हरकत की तो देखना। सर, सर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ सर, वीर तो मेरे साथ था। 2 घंटे का डिटेंशन। लेकिन सर, 2.5 घंटे का डिटेंशन। मेरे खिलाफ कोई तो साजिश कर रहा है, कोई मुझे फंसा रहा है, लेकिन कौन? मिस्टर मास्क्यूटा, आपने स्कूल में तो अच्छा हंगामा किया, अब जरा बाजार में भी ऐसा ही कुछ कर दो। ये दोस्तों, चॉकलेट्स और मिठाई खानी है। हाँ। ये क्या कर रहे हो? ये लो।
अरे बच्चों हटो हटो, ये मेरी चॉकलेट्स हैं। ए, भागो भागो बच्चों, शो भागो भागो, खबरदार एक भी चॉकलेट को हाथ लगाया तो। ये वीर को क्या हो गया? चलो दादाजी के पास। आप लोग जो कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग भी झूठ तो नहीं बोलेंगे। एक मिनट दीजिए, मैं वीर से अकेले में बात करता हूँ। दादाजी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है वीर, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर इनबिल्ट कैमरा की रिकॉर्डिंग देखना चाहता हूँ कि दिन भर तुमने आज क्या किया। तो तुम्हें बदनाम कर रहा है, कोई जरूर तुम्हारा हमशक्ल है जो ये सब करके तुम्हें फंसा रहा है। दादाजी मैं उसका पता लगाते ही रहूंगा। मैं जाके लोगों को समझाता हूँ, तुम चिंता मत करो। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरा हमशक्ल यहाँ आएगा तो मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। वो देखो एकदम मेरे जैसा। क्या कर रहे हो? रुको रुको। जल्दी छूट गए, जल्दी छूट गए। प्रिंसिपल सर ने कहा है आज छुट्टी है, सब घर जाओ। रुक जाओ, सब रुक जाओ। मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा, वीर इस बार तुमको स्कूल से ही निकलवा दूंगा। हाँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय बाय वीर। प्रिंसिपल सर को कहना मेरा हमशक्ल ये सब कर रहा था, मैं अभी जाके उसको पकड़ता हूँ। सॉरी रोबो बॉय, सॉरी। इट्स ओके। Diving suit on. छोड़ दो मुझे, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हारा मास्क लगा के लोगों को बेवकूफ बनाया। टिम्बकटू ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। छोड़ दो मुझे। ओह, तो तुमको मैड मैक्स ने भेजा है और तुम मास्क बनाने में एक्सपर्ट हो। वेरी गुड। ये रहा वीर का हमशक्ल जो वीर को बदनाम कर रहा था। वैसे वीर कहाँ है? ओह, वो स्कूल में है। इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो। अब वो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
यहाँ कितनी पुरानी पुरानी चीजें रखी हैं। इस लैंप को देखो, लगता है इसमें भी जिन है। चलो मैं इसे रगड़ के देखता हूँ। हर लैंप में जिन नहीं होता चुलबुल, ये तो कोई सड़क पे फेंका हुआ पुराना लैंप दिख रहा है, किसी ने लाके म्यूजियम में रख दिया। नहीं जिंटू, ये लैंप भी हजारों साल पुराना लग रहा है, हो सकता है इसमें भी जिन हो। ये लैंप तुम्हारे लैंप जैसा ही है। वो लैंप लगता है हिल रहा है। मेरे ख्याल से वो, तुम अपना ख्याल छोड़ो और मेरा ख्याल सुनो, इस कबाड़ी लैंप की जगह इस म्यूजियम में नहीं, किसी डस्टबिन में है। जिंटू मेरे दोस्त, बोलने से पहले जरा सोच लो क्या क्या बोल रहे हो। जीन, जीन। तुम लोग मुझे डरा रहे हो कि लैंप से जिन निकला है, लेकिन मैं किसी जिन विन से नहीं डरता, और इस खटारा लैंप से क्या जिन निकल आया, पहले क्यों नहीं बताया। निकल गया सारा दम, निकल गई सारी हेगड़ी। और करो मेरी बुराई। सॉरी अंकल, सॉरी, गलती हो गई। गलती तो हो गई है, अब उसकी सजा भी भुगतो। पटक मटक लटक झटक, चिंटो को कहीं और जाके पटक। वीर बचाओ वीर। जिन अंकल सॉरी, जिंटू से गलती हो गई, वो अभी ना समझ है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, उसे वापस यहाँ बुला दीजिए प्लीज। अब वो कभी वापस नहीं आएगा, उसने मेरा अपमान किया है। लेकिन हमने तो आपका सम्मान ही किया है, हम तो इस लैंप की तारीफ ही कर रहे थे। हाँ ये बात तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्त जिन को वापस पाने का एक और मौका देता हूँ, अगर तुम उसे ढूंढ सको तो उसे वापस पा सकते हो। अटक मटक लटक झटक, जहाँ हो इनका दोस्त वहीं इन्हें पटक। ये तो फुर्सत गंज ही है, इसका मतलब जिंटू को फुर्सत गंज में ही छुपा रखा है। ये मेरा फुर्सत गंज है, मेरा जादुई फुर्सत गंज, यहाँ हर कोई तुम्हारा दुश्मन और मेरा दोस्त है। हर इंसान जादू से भरा है, हर चीज जादू की बनी है। तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है, एक घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो कभी नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जीन अंकल, हम उसे कहाँ ढूंढे? चलो मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे लैंप की तारीफ की थी। मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, मैं किधर जाऊँ। यानी कि उस जगह में कई रास्ते होंगे, तभी हम सोच में पड़ जाएंगे कि हम किधर जाएं। एक्सलेंट इमली, इसका मतलब है फुर्सतगंज चौक, वही एक जगह है जहाँ से हर तरफ रास्ता जाता है। चलो पहले वही चलते हैं। वीर तुमने देखा नहीं, लेजर बीम्स बंटी को भी लगी लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है वो जादू से बना है, उसको मेरी लेजर बीम से कुछ नहीं होगा। वीर तुम्हें एक घंटे में जिंटू को ढूंढना है और 10 मिनट खत्म हो चुके हैं, 50 मिनट बाकी हैं। बाय बाय, ढूंढ लो। वीर अब मैं तुम्हें बच के नहीं जाने दूंगा। जब उसका प्लेन बंटी के पास ब्लास्ट हुआ तो वो दर्द से चीखा, इसका मतलब है उसके ही प्लेन से उसको असर होगा। एक स्टेज पार कर लिया, कोई बात नहीं। एक और क्लू सुनो, ताला मैं नहीं जो
चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। पहला मैं नहीं तो चाबी से खुल जाऊं, लेकिन चाबी के बिना मैं चल भी ना पाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चाबी से खिलौना चलता है, पुराने मॉडल की घड़ी चलती है, और क्या चलता है? यस यस, पुराने मॉडल की घड़ी, वॉच टावर। इमली फुर्सतगंज के वॉच टावर में बड़ी घड़ी है, वो पुराने टाइप की घड़ी है जिसे चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती है। वो ताला नहीं जो चाबी से खुल जाएगी, लेकिन चाबी भरे बिना वो चल भी नहीं सकती। वीर, यू आर राइट, चलो वॉच टावर चलते हैं। आ गए वीर, बहुत देर कर दिया आने में। आधा घंटा हो चुका है, अब सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जिन अंकल। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। चिंटू को ढूंढना है। मेरे माया जाल को काटते हुए तुम बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन मैं चिंटू को इतनी आसानी से नहीं दूंगा। एक और आखिरी क्लू सुनो। कुछ आते हैं तो कुछ जाते हैं, जाते जाते बहुत कुछ ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं वो दिखता नहीं, लेकिन उसके बिना वो कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ऐसे तो कई जगह है जहाँ कुछ लोग आते हैं, कुछ जाते हैं, जैसे मार्केट, मॉल, लेकिन वो जो ले जाते हैं वो तो दिखता है। स्कूल, ये स्कूल हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और जाते हैं, वो स्कूल से ज्ञान ले जाते हैं। ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज दिखती नहीं, और ज्ञान यानी कि नॉलेज के बिना वो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं। इस स्कूल के आगे तो हमारा स्कूल है। लगता है जिन अंकल ने जिंटू को हमारे स्कूल में कैद किया है। आओ वीर, आओ। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है जिंटू को बचाने के लिए, और मैं तुम्हें जिंटू तक नहीं पहुंचने दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे जिंटू तक जाने से नहीं रोक सकती। मैड मैक्स में इतनी फुर्ती कहां से आ गई? ये मत भूलो कि वो भी जादू से बना है। लेकिन कैसे? इमली चुलबुल, तुम लोग जाओ और जिंटू को ढूंढो। वीर, कहाँ हो वीर? सिर्फ 1 मिनट बाकी है, सिर्फ 1 मिनट। वीर, तुम जिंटू तक नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। एक्स्ट्रा पावर्स ऑन। Ha ha ha!
वीर तुम यहाँ तक आखिर पहुँच ही गए। अब सिर्फ 5 सेकंड में तुम्हें ढूंढना है जिंटू कौन है। इनमें से एक जिंटू है। जिंटू, जिंटू! आखिर में हम मिल गए। वीर, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम लोग एक सच्चे दोस्त हो। अक्सर जिसके पास जिन होता है वो मालिक की तरह बर्ताव करता है। जिंटू, तुम खुश नसीब हो, तुम्हें वीर जैसा दोस्त मिला। अच्छा, चलता हूँ। तुम लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। सॉरी अंकल, फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। पूरे फुर्सतगंज को एक अजीब बीमारी ने घेर लिया है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी बीमारी है। डॉक्टर्स भी परेशान हैं और साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर रहे हैं। ताता जी, कल से मेरी आंख बंद नहीं हुई, मैं सो नहीं पाया और बंटी का मुंह बंद नहीं हुआ। कभी मच्छर कभी मक्खी बार बार घुस रहे हैं। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा क्या बीमारी है। ये देखिए, पापा का हाथ कैसा टेढ़ा हो गया है। पूरे शहर में ऐसा ही कुछ न कुछ सबको हुआ है। हम भी अभी टीवी में यही न्यूज देख रहे थे। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या बीमारी है। ये बीमारी आज से 100 साल पहले मध्य सागर के कालुका द्वीप में होती थी। तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? किसी माइग्रेटरी बर्ड के साथ आ गई होगी। जब बर्ड्स एक शहर से दूसरे शहर उड़कर जाते हैं तो उनके पंजों में कई जर्म्स बैक्टीरिया साथ आ जाते हैं। उन गांव वालों ने इसका इलाज कैसे किया? वहाँ के एक लोकल डॉक्टर ने इसका इलाज ढूंढा और वो इलाज इस फूल में है। इस फूल की पत्ती को खाने से या इसका रस निकाल के पीने से ये बीमारी दूर हो सकती है। दादाजी, लेकिन ये तो 100 साल पहले की बात है। अब पता नहीं ये फूल वहाँ होगा कि नहीं। ये तो जाके ही देखना होगा। वीर, तुम लोग स्पेसशिप से चले जाओ, अपना ध्यान रखना। दादाजी, मैं उड़ने वाले पंख भी ले जाता हूँ। क्या पता कभी बिना स्पेसशिप के चुलबुल को भी उड़ने की जरूरत पड़ जाए। तुम ठीक कहते हो वीर, पूरी तैयारी के साथ जाओ। आपकी मदद चाहिए। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला, हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला। हुला हुला तीरु भाला, हुला हुला हर कोई हाला। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला। ये लोग बात करने के मूड में ही नहीं है। अभी यहाँ से चले जाने में ही भलाई है। वीर, जंगल में वैसे भी कितने सारे जानवर होंगे। तुम लोग भाग जाओ, मैं भोला भाला डोंकी बनके इन पे जासूसी करूँगा और वो फूल कहाँ है पता करके तुम्हें बताऊँगा। गुड आइडिया चुलबुल। विंग सूट ऑन, विंग सूट ऑन। हुला हुला तीरु भाला, तीरु भाला, हुला हुला तीरु भाला। जानवर बन के जासूसी करने का आइडिया फ्लॉप हो गया। इमली चुलबुल खतरे में है। उसके साथ एक और लड़का है, उसे भी बांध रखा है। दोनों को बचाना होगा।
अच्छा हुआ उड़ने वाले पंख साथ लाया हूँ। बिल्ली सबको छोड़ दो, उसे छोड़ दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हदीसा, हदीसा। हुला, हुला, ले जाओ इसे। आज अदीसा को चोरी के जुर्म में तीरों का सामना करना होगा। धन्यवाद। ओ, तुम हमारी भाषा बोल सकते हो, बहुत अच्छा। हुला हुला, न्यूकी न्यूकी, इधर इधर से चलो, वहाँ बहुत सारे अनासी के जाले हैं। अनासी के जाले, वो क्या है? ओ, तो मकड़ी के जालों से डर के तुम्हारी न्यूकी यानी कि मधुमक्खी इधर नहीं आती। अच्छा, अनासी मीन स्पाइडर, ओके। मेरा नाम अदीसा है, मेरी दादी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए सरदार मुझे फूल की पत्ती नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने चुराने की कोशिश की और पकड़ा गया। वो फूल चुराना क्यों पड़ा? फूलों पे तो सबका हक होता है। उस फूल से हर बीमारी का इलाज होता है, इसलिए अदूजा वो फूल पूरे गांव में कहीं और पैदा होने नहीं देता। सिर्फ उसके पास ही एक फूल है और उसी फूल का डर दिखा के सबको गुलाम बना के रखता है, क्योंकि सबको कभी न कभी उस फूल की पत्ती की जरूरत पड़ती है। अदूजा कौन है? क्या वो तुम्हारा सरदार है? नहीं, वो रानी का सेनापति है। रानी भी उससे डरती है और वो जो कहता है रानी वही करती है। फिर तो हमें भी वो फूल बिना मांगे चुपचाप लेकर जाना होगा। हमारे शहर में बहुत लोग बीमार हैं और हम ये फूल लेने आए हैं। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ओके, जैसे ही वो मेरा पीछा करने लगेंगे, तुम लोग फूल की पत्तियां तोड़ के उड़ते हुए वापस उसी पेड़ पे रुक जाना, मैं वहीं मिलूंगा। हुला हुला तीरु भाला, हुला हुला तीरु भाला। फूल चुराने की हिम्मत की है, आज तुम्हें हमारे तीरों का सामना करना होगा। रानी साहिबा, मेरा नाम वीर है। मेरे शहर फुर्सतगंज में सब लोग बीमार हैं और मैं सिर्फ ये फूल की पत्तियाँ लेने आया हूँ। नहीं, तुम हमारे पवित्र फूल को छू भी नहीं सकते। हम तुम्हें अभी खत्म कर देंगे। खत्म करना है तो खुद अपने दम पे खत्म करो। ये हुला हुला तीरु बुरा कह के दूसरों से तीर और भाले क्यों चलवा रहे हो? तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हो? मंजूर है, युद्ध होगा। हुला हुला। वीर, एक बार सोच लो, इससे जीतना असंभव है। दादाजी कहते हैं जो असंभव को संभव कर दे उसे ही वीर कहते हैं। ये मेरे और इस गाँव वालों के हक की लड़ाई है। अगर मैं जीत गया तो आज के बाद किसी गांव वाले को आप ये फूल लेने से मना नहीं करोगे, किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखोगे। मंजूर है, हम तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं। युद्ध शुरू हो। अदूजा, 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 अदूजा। अदूजा, अदूजा। न्यूकी।
डिसेंगेज डिसेंगेज रोबोटिक चिप टूटने का खतरा डिसेंगेज का दिन है वीर, तुम बहुत बहादुर हो। तुम फूल की जितनी पत्तियां चाहो ले जा सकते हो। आज के बाद इस फूल पे हर गांव वाले का हक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, उस बीमारी की दवा तैयार हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा काम है घर घर जाके इसे सबको पिलाना। दादाजी, ये काम मैं करूँगा। ने एक बार फिर फुर्सतगंज को बचा लिया। उसने इस बीमारी की दवा खोज निकाली और पूरे फुर्सतगंज को इस दवा से ठीक कर दिया। थैंक यू रोबो बॉय।